मेरे को एसिड रिफ्लक्स की ये प्रॉब्लम करीब 1 डेढ़ 2 साल से थी। ये पाइप 24 घंटे लगी रहती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना खाने में ना पीने में। फिर मैं 9:30 बजे तक होश में आ गया था। उसके बाद 12 बजे के बाद मैंने लिक्विड वगैरह लिया है, दाल के पानी लिया है, चाय बिस्कुट खाई है। आज सवेरे मेरी लगभग 9 बजे के बाद सर्जरी हो गई थी और अभी 6 बजे करीब डिस्चार्ज हुआ। 5-6 महीने हो गए मेरी सर्जरी के। मैं अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ सारे जगह आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी दवाई वगैरह तो जिससे मेरी सर्जरी हुई थी उसी समय ठीक हो गया था। दवाई ववाई की तो कोई ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी मुझे। मेरा नाम नमन है, मैं पटना से आया हूँ और मेरे को एसिड रिफ्लक्स की ये प्रॉब्लम करीब 1 डेढ़ 2 साल से थी। तो कल मैं सारे डॉक्टर को दिखा, लेकिन दवाई खाने से कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखी तो चिराग ठक्कर से बारे में पता चला। तो कल मैं अहमदाबाद आया और उनसे दिखाया तो उन्होंने कल मैनोमेट्री टेस्ट की और ये पीएच कोई टेस्ट था 24 घंटे करने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि बताएंगे, खैर ये पाइप 24 घंटे लगी रहती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना खाने में ना पीने में, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं, सारे काम आप कर सकते हैं लगने के बाद। इसलिए मैं फिर बताऊंगा आपको कि आगे क्या, डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आएगा थोड़ी देर में तो बताऊंगा मैं आगे क्या करना है, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरा नाम नमन है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं बिहार के पटना जिला से आया हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरी पीएच और 24 आवर रिसेप्टर पर मैंने मेट्री हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि आप सर्जरी करवा लो, क्योंकि दवाइयाँ खाओगे तो फिर 4-5 साल बाद वो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। और तो इसलिए मैंने सोच विचार करके सर्जरी आज सवेरे आज मैं भर्ती हुआ, करीब 8 बजे से मेरे भर्ती हुआ, 9 बजे मेरी सर्जरी होगी। 9:30 बजे तक मैं होश में आ गया था और अभी मैं 9:30 बजे तक होश में आ गया था। उसके बाद 12 बजे के बाद मैंने लिक्विड वगैरह लिया है, दाल के पानी लिया है, चाय बिस्कुट खाई है, खाना भी नाश्ता भी किया है, चावल और दाल नाश्ता भी चावल दाल करी है बस। और अभी तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब खूब टहला घुमा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार 5 बार टहला है। डॉक्टर साहब अभी मेरे को डिस्चार्ज देने वाले हैं। आज सवेरे मेरी लगभग 9 बजे के बाद सर्जरी हो गई थी और अभी 6 बजे करीब डिस्चार्ज हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा जिनको भी ये समस्या है वो घबराएं नहीं, यहाँ आके दिखाएं, इसका ऑपरेशन के साथ बहुत अच्छा इलाज है। मैं नमन राज, मेरी उम्र 19 साल है। जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो बताया था कि 2 दिन पहले मेरी सर्जरी हुई थी, तो आज मैं 2 दिन बाद फॉलोअप पे आया हूँ। इन 2 दिनों में मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं हुई, खाना वगैरह खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और आज मैं अपने घर के लिए भी वापस जा रहा हूँ। थोड़ा सा भी एसिड रिफ्लक्स जैसा कुछ नहीं लगा, लेकिन पूरी तरह मैं ठीक हो गया हूँ। और बस हल्का थोड़ा सा आपको लगेगा कि खाना ऐसा ऐसा अटक रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको महीने में या हफ्ते में 10 दिन बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। बस यही है कि आपको खाना थोड़ा कम कम खाना है स्टार्टिंग के दिनों में, ताकि आपका पेट जो है वो कम भरा हुआ लगे। खाने की भूख से 4 दिवाले कम ही खाया, बस यही है। और तो मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ मैं और आज अपने घर के लिए भी वापस बिहार जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ के। और बस यही है, जिनको भी मेरी ये समस्या है वो इससे घबराए नहीं, जरूर आकर दिखाएं, इसका समुचित इलाज है ऑपरेशन के द्वारा। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम नमन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी 10 फरवरी को करीब सर्जरी हुई थी डॉक्टर साहब के यहाँ। तो फिलहाल तो अभी मैं बहुत अच्छा हूँ, 5-6 महीने हो गए मेरी सर्जरी के। मैं अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ सारे जगह आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी दवाई वगैरह तो जिससे मेरी सर्जरी हुई थी उसी समय ठीक हो गया था। दवाई ववाई की तो कोई ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी मुझे। और पहले जो मुझे खाने वगैरह में तकलीफ होती थी स्टार्टिंग के सर्जरी के कुछ दिनों तक, तो थोड़ा थोड़ा खाना मतलब मुझे चबा चबा के खाना पड़ता था ज़्यादा, अब तो मैं नॉर्मल की तरह हो गया हूँ बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कोई तकलीफ ही नहीं है। जैसे मैं पहले नॉर्मल हुआ करता था कुछ सालों पहले, तो मैं बिल्कुल वैसा नॉर्मल हो गया हूँ। तो अब मैं बहुत हेल्दी हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है वो सर से एक बार ज़रूर मिले, सर आपका बहुत अच्छे तरीके से इलाज करेंगे, बहुत अच्छे से हैं और सर के बिहेवियर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ नहीं दे रहा सर का। धन्यवाद।